शिमला नगर में अमृत योजना के तहत विभिन्न विकास कार्यों पर 238 करोड़ 44 लाख रुपए की राशि व्यय की जा रही है। ये जानकारी आज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने संजौली के डिंगूधार में अमृत योजना के तहत 2 करोड़ 50 लाख रुपए से निर्मित पार्किंग व पार्क का उद्घाटन करने के उपरांत कही। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि इस योजना के तहत शिमला नगर में प्रस्तावित 47 कार्यों में से 32 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं, जिस पर लगभग 155 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई है। उन्होंने बताया कि मल्याना, ढली, लालपानी, सीवरेज प्लांट को स्तरोन्नत करने का कार्य इस योजना के अधीन किया जाएगा। संजौली, सांगटी, इंजन घर के लोगों के लिए जलापूर्ति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए 14 करोड़ रुपए की योजना पर युद्ध गति से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिमला नगर में लगभग 1400 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था के विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें से 700 गाड़ियों के लिए निर्माण कार्य किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि शिमला नगर में 5 फुट ओवर पुलों का निर्माण करने का लक्ष्य किया गया है, जिनमें से 2 फुट ओवर का निर्माण कर दिया गया है और शिमला नगर में निर्धारित 32 किलोमीटर पैदल मार्ग का निर्माण किया जा चुका है, जबकि ओक ओवर के समीप अत्याधुनिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। आज शिमला नगर निगम के हमारा अमृत मिशन के अंतर्गत संजौली चौक जो हमारा वार्ड है, जिसकी वार्ड पार्षद श्रीमती सत्या ठाकुर कौंडल जी हैं, जो हमारे नगर निगम की महापौर भी हैं, उनके वार्ड में 2 पार्किंग्स गाड़ियों के लिए और 1 पार्क का उद्घाटन जो है वो हुआ है, जो बनकर के तैयार हो गए हैं और वो जनता को समर्पित किए जा रहे हैं। दोनों पार्किंग में 100 गाड़ियों की जो है वो पार्किंग हो सकेगी और पार्क जो है वो इस संपूर्ण जो क्षेत्र है डिंगूधार एरिया, उसमें जो है बच्चों के लिए, युवाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए जो है वो खेलने के लिए, बैठने के लिए जो है उपयोग में लाया जाएगा। शिमला की सबसे बड़ी समस्या आज पार्किंग की हो गई है, क्योंकि इकोनॉमी के जो है वो बढ़ने के कारण हर एक व्यक्ति के पास जो है आजकल गाड़ी है और गाड़ी को पार्क करने की शिमला में कोई व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, क्योंकि अंग्रेज़ों के समय में यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं चलती थी, केवल रिक्शे चला करते थे, पैदल चलना होता था। अब सब गाड़ियों में चलते हैं, नई नई कॉलोनीज बन रही हैं, नए नए मकान बन रहे हैं, उन सब स्थानों पर जो है वो जब हम एम्बुलेंस रोड बना देते हैं या लिंक रोड बना देते हैं, वहाँ कोई सड़क बनती है, फिर गाड़ियाँ जो हैं वो उसमें खड़ी हो जाती हैं और सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पार्किंग्स का होना बहुत ज़रूरी है और इसी दृष्टि से हर वार्ड में जो है वो कोशिश की जा रही है कि वार्ड के अंदर ही पार्किंग बने। इसके अतिरिक्त बड़ी बड़ी पार्किंग्स भी जो है वो बनाई गई हैं यहाँ पर, वो भी प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब जो है वो बनी थी। एक लिफ्ट के पास बनी है, एक छोटा चिमला बनी है, एक संजौली में बनी है, उस वो भी हमें पूरी तरह जो है वो फुल रहती हैं, उसके बावजूद भी जो है स्थान नहीं मिलता। इसलिए वार्डों के अंदर पार्किंग बने, ये बहुत बड़ी पार्किंग जो है एक जहाँ आप खड़े हैं स्थान पर बनी है, एक उससे पहले जहाँ ओपन पार्किंग है उसमें जो है वो 35-40 गाड़ियाँ वहाँ पर आ जाएंगी और बाकी गाड़ियाँ जो है इस पार्किंग में जो है वो खड़ी होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।